नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचडी आईएएस परिवार में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एचडी पे मेंस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके अंदर हम सभी सब्जेक्टों को क्वेश्चन आंसर के हिसाब से जो है वो कवर कर रहे हैं। आज हम जो है क्लास लेने वाले हैं साइंस टेक के दो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे हम बात करने वाले हैं, और ऐसे ही जो है हम प्रत्येक सब्जेक्ट पे बात करते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट के टॉपिक पर बात करते हैं, जो कहीं ना कहीं जो है चर्चाओं के अंदर भी रहते हैं। किसी क्वेश्चन यानी कि वहां से क्वेश्चन आने की संभावना होती है, और हम जो है पूरे सब्जेक्ट को जो है कवर कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर के हिसाब से, ताकि क्या हो सके कि आपकी जो पकड़ है आंसर राइटिंग पर अच्छी हो सके। जो भी सीरियस है, जो चाहते हैं कि हाँ मेरा जो टारगेट है 2024 2025, यदि आपका टारगेट है और आप चाहते हैं कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो, मैं उनमें गिना जाऊं जिनका सिलेक्शन हुआ है, जो सिलेक्ट हुए हैं उनमें ना गिना जाऊं कि हाँ तैयारी चल रही है या नहीं हो पाया है, कुछ तो अंतर होगा। ऐसा तो नहीं है कि सब जो वहां पे है जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है सब वो लोग हैं जो अच्छे से पढ़ाई नहीं करते थे, जो कभी मेहनत नहीं करते थे, ऐसा तो नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे उम्मीदवार जो है ऐसे हैं जो भरे पड़े हैं, जिन्होंने बहुत सारी मेहनत की है। तो फिर ऐसा तो क्या हो गया जब उन्होंने मेहनत की और फिर भी सिलेक्ट नहीं हो पाए, कुछ तो बात होगी है ना, कुछ तो लू पॉइंट जो है वो छूटा होगा। उन्होंने भी जिस कोचिंग सेंटर से, जहां से भी आप जो है यदि आप स्टडी करते हैं, यदि आप जो है चीजें देखते हैं कि हाँ ये बुक इंपॉर्टेंट है, ये नोट्स इंपॉर्टेंट है, वो उनको भी पता चला होगा, वो बुक उन्होंने भी पढ़ी होगी, वो नोट्स उन्होंने भी पढ़ा होगा। तो ये नोट्स बुक सब चीजें जब उन्होंने भी पढ़ी, आप भी पढ़ रहे हैं, तो फिर अंतर क्या है उन लोगों में जो सिलेक्ट हो गए या फिर जो होने वाले हैं और जो नहीं होने वाले हैं, कहां पर अंतर कहां पर आएगा? अंतर आएगा वो जो डिसीजन है उनका कि हाँ मैं जो चीज बना लेता हूं जब मैं स्टार्ट करता हूं चीजें, कि हाँ ये मेरा टारगेट है, मेरे वीक का टारगेट है, मेरे महीने का टारगेट है, जो मेरा टारगेट बना हुआ है वो लोग उनको अचीव करते हैं। यहीं से छोटी छोटी चीजें जो है वो अचीवमेंट जो है उनके, एक बड़ा जो उनका टारगेट है, जो एम है, आपको आईएएस बनना है, पीसीएस बनना, उसको फिर वो अचीव कर पाते हैं। जिनका वीक का टारगेट, जिनका मंथ का टारगेट अचीव नहीं हो पाता, फिर वो अपने आप को बहाने देते हैं कि चीजें इस वजह से उस वजह से चीजें नहीं हो पाई, तो फिर वो टारगेट भी अचीव उनका होना छूट जाता है। अब ये तो एक कहेगी कंटिन्यूटी, उनका डिसिप्लिन जो है वो अच्छा है। दूसरी बात क्या है कि डिसीजन, वो ना ये देखते हैं कि मेरे सिलेबस के अनुसार, जो मेरा सिलेबस है उसके अनुसार, जो एग्जाम का लेवल है, जो पैटर्न है, उसके तरीके से कौन सी क्लासेस जिसको मुझे देना है, यानी मुझे अपनी चीजें कवर करनी है, तो मुझे कहां से कवर करनी चाहिए, एक फेमस टीचर से, अन्य चीजों से, या फिर एक ऐसी जगह से जहां से सिलेबस अच्छे से कवर हो रहा हो, जहां वाकई मेरे और मेरे टारगेट की जो बीच की दूरी है वो कम हो रही है, जो सफलता है मेरे नजदीक आ रही है और मुझे लग रहा है कि हाँ मैं सफल हो जाऊंगा और वो अचीव हो भी जाता है, तो किस ओर जाना है। मैं ये सब बातें आपको इसलिए बताता हूं ताकि आप चीजों को समझ सके। यहीं पर ही छोटे छोटे डिसीजन आपको ये बनाते हैं कि हाँ जो बड़ी चीज होगी आप उसके लिए काबिल हैं। आप छोटे डिसीजन बहुत अच्छे लेते हैं, है ना, वही चीजें दिखनी स्टार्ट हो जाती है आपके अंदर, वो काबिलियत जो है आपको खुद महसूस होनी स्टार्ट हो जाती है कि आप छोटी छोटी चीज से प्रभावित नहीं होते हो, व्यूज से, है ना, एक फेम से, बड़े नाम से, इनसे आप प्रभावित नहीं होते हो, क्योंकि वहां पर भी प्रभावित नहीं होना है। आपको सामना किससे होगा, जो है सांसद है, विधेयक है, बड़े बड़े जो है जो विधायक हैं, सांसद हैं, बड़े बड़े पद पे जो है आपको जो है फोर्स किया जाएगा, पैसे वालों की तरफ से जो है, अन्य बहुत सारे तरीकों से फोर्स होगा, तो आप किसी से प्रभावित नहीं होते हो, यहीं पर ही देखी जाती है चीजें। और जिनके अंदर एक काबिलियत होती है, जो निकाल लेते हैं कि हाँ ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो उस राह पे चलते हैं। और आंसर राइटिंग जो मेन चीज है कि हाँ सिलेक्शन, वो दो राहें, एक जो है असफलता की ओर जाती है और एक सफलता की ओर जाती है, तो कुछ क्यों इतनी बड़ी संख्या जो है वहां पर क्यों चली जाती है और वहां पर एक छोटी राह क्यों, आंसर राइटिंग उसमें बहुत अहम रोल निभाती है। नोट्स बुक तो पढ़ लेते हैं, मगर उसके बाद जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो है आपकी वो चीज कि हाँ आंसर राइटिंग स्किल किसकी अच्छी है, किसके पास, क्योंकि एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चन सामने आएंगे, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो जो 20 क्वेश्चन आपके सामने होंगे ना, वो सारे लिखने भी हैं, अच्छे लिखने हैं, है ना, ऐसे आपका प्रस्तुतिकरण ऐसा हो ताकि देखते वक्त एक पॉजिटिव तरीके से जो है एग्जामिनर को कॉपी चेक करने के लिए जाओ, कोई छोटा मोटा यदि गलती है तो वो उसको इग्नोर कर पाए,
ऐसा आपका प्रस्तुतिकरण है, उसको अच्छा हो फील हो रहा है आपकी कॉपी को पढ़ते हुए देखते हुए, है ना, तो वो सब चीजें कर पाना, अपने आंसर के अंदर परवाह लेके आना, वो प्रैक्टिस होना कि हाँ 20 क्वेश्चन को लिख भी पाए और अच्छे से लिखे, ताकि वहां पर सोचने ना पड़े कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ये पॉइंट लिखने हैं, क्या लिखूं, अच्छा क्या लिखूं, ये कैसे लिखूं इसको अच्छा, और वहां पर जो है लिखना 7-8 मिनट के अंदर था और क्वेश्चन लिख रहे हैं 10-12 मिनट के अंदर। और आजकल का टाइम पीरियड क्या है, आप सोचते होंगे कि एक दो क्वेश्चन लिख के जो आप लिख लेते हो कि हाँ मैं बहुत अच्छा लिखता हूं, एक दो क्वेश्चन जो है ना वो लिखा जो है 15 मिनट में 12 मिनट में एक क्वेश्चन लिखा है और आपने आंसर दिया है उसका 12 या 15 मिनट के अंदर, और फिर आप सोचते हो कि मैं आंसर तो लिख लेता हूं, क्या वाकई लिख लेते हो, वो सोच सोच के सोच सोच के सोच सोच के आप एक दो लाइन लिखते हो, एक दो लाइन लिखते हो, आंसर लिख लेते हो, 7-8 मिनट में आंसर वहां पर लिखना होगा, एग्जाम का प्रेशर होगा, कुछ क्वेश्चन में आपको लग रहा होगा कि मुझे अच्छे से नहीं आते हैं, है ना, यदि आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तब ये चीजें होंगी, तब की बोल रहा हूं। तो ये जो क्लास है ना, होता है क्या कि जहां पर पैसा नहीं ले जाता किन्हीं क्लास, जैसे हम आपको कोई भी फीस जो है नहीं ले रहे हैं, तो वहां पर कदर घट जाती है कि क्या ही है, कैसा है, ना टीचर हमने कभी पहले देखे हैं, ना इधर उधर की चीजें हैं, कुछ भी नहीं है, क्योंकि कदर नहीं होती ना उस तरीके की, भाई इतना जो है इस तरह का मेन्स प्रोग्राम वो भी फ्री में, ऐसे कैसे, कुछ तो ये है कुछ तो वो है, क्योंकि हमने समाज को देखा ही इस तरीके से है, तो बहुत सारी चीजें आपके सामने आती रहती है, भाई ये वो ये वो, फ्री में जरूर है मगर कदर कीजिए, वाकई आपके लिए जो प्रोग्राम है ना वो एक रामबाण है, यदि आपको मेंस को क्रैक करना है तो, है ना, ये मेंस को क्रैक करा सकता है, ये आपको उस तरीके पॉइंट दे सकता है ताकि आपको पेन को यहां ना लगाना पड़े और ऐसे ना करना पड़े कि हाँ मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे इसको क्या लिखूं, कैसे लिखूं, कौन सा पॉइंट इस्तेमाल करूं, कौन सा ना करूं, शॉर्ट नोट्स ये वो उन सब चीजों की करा तो नहीं है ना। आप सोच के देखिएगा कि कोई भी सब्जेक्ट जो आप पढ़ा, स्टेट पीसेस की आप तैयारी कर रहे हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कोई ना कोई सारे सब्जेक्ट होते हैं, है ना, तो वहां पर जो सब्जेक्ट हैं उनको टॉपिक को आपको तैयार करना पड़ता है मेंस के हिसाब से, वहीं से क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन में कुछ इस तरह की चीजें पूछी जाती है। भाई जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक वाहनों की, जैसे कि हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन जो हमने लिए हैं कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहन के सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन है ना, चुनौतीपूर्ण अवसरों की समीक्षा कीजिए, है ना, वे कौन कौन से अवसर है, किसके परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, भारत के, है ना, भारत के परिप्रेक्ष्य में चीजें हम बात कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाहन की कर रहे हैं, तो कुछ अवसर है तो उनके बारे में, अवसर के बारे में बात करेंगे, वो चुनौतीपूर्ण है तो कुछ चुनौतियां भी हमारे सामने हैं, है ना, तो उन चुनौतियों के बारे में बात करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन से संबंधित जो इंडिया के अंदर हम बात कर रहे हैं वहां के दो चीजें हमें पॉइंट तैयार हो गए, वो क्या है, अवसर है और चुनौतीपूर्ण है ना, दो चीजें हमने तैयार कर ली। अब भाई दो चीजें हमने तैयार कर ली तो इलेक्ट्रॉनिक वाहन से संबंधित आपके पास चुनौतियां भी हैं, आपके पास वो अवसर सिस्टम भी है इंडिया के प्रति, तो वो दो चीज जो है कहीं पर कैसे भी क्वेश्चन जो है क्रिएट करके आएंगे तो वो पॉइंट आपके पास होंगे जो काम आएंगे, सोचना नहीं पड़ेगा, एक्जेक्ट लिख पाओगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन जो साइंस टेक से लिया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि जो एआई है, बहुत सुना होगा एआई के बारे में आपको, परिभाषित कीजिए। मैं जानता हूं कि ये बहुत बेसिक चीज है कि परिभाषित तो नॉर्मल आप कर ही लोगे, है ना, भारत के कृषि क्षेत्र में इसके अनुप्रयोगों को संदर्भित कीजिए, इसके अनुप्रयोग सिस्टम के बारे में बताना है और किस क्षेत्र की बात कर रहा है, कृषि की। एआई का प्रयोग बहुत सारे लगभग हर जो है क्षेत्र में इसका यूज होता है और यहां पर हम किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, कृषि की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई टॉपिक क्या है, बड़ा टॉपिक है एआई, एआई बड़ा टॉपिक है ना, उसका एक क्षेत्र, एक क्षेत्र क्या, कृषि, कृषि को जो है उसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे कि एआई का प्रयोग यहां पर, अनुप्रयोग यहां पर, अनुप्रयोग इस क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर, बहुत सारी चीजों के अंदर प्रयोग होंगे। यहां पर हम किसकी कर रहे हैं, कृषि के बारे में, कि हाँ भाई कृषि संबंधित क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या किया जा सकता है ना, तो यहां पर आपके वो पॉइंट मिल जाएगा कि हाँ यदि हम इन पॉइंट जो है हमारे पास आ गए हैं, अब कृषि संबंधित एआई का कुछ क्वेश्चन आए तो ये पॉइंट का यूज हम कर पाएंगे, तो आसान हो जाएंगी चीजें। बस ये मेंस प्रोग्राम की प्लीज कदर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोग गांव में या सिटी के अंदर जिनके पास पैसा नहीं है, नहीं दे सकते इंस्टीट्यूट से 10-15-20-25 हजार रुपए, तो प्लीज शेयर करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा, कुछ पुण्य कमा लीजिए। तो आइए
क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई की बात हो रही है, उसको परिभाषित करना है यानी पृष्ठभूमि के अंदर हम उसको परिभाषित करेंगे। अब उसको जोड़ा किस क्षेत्र के साथ गया है कि भारत में कृषि क्षेत्र में इसके अनुप्रयोग को संदर्भित कीजिए, तो फिर हम संदर्भित करेंगे उसके जो है अनुप्रयोग के बारे में अच्छे से बात करेंगे, वो पॉइंट सारे के सारे आपको प्रोवाइड कराएंगे, फिर निष्कर्ष पे चलेंगे। ऐसे क्वेश्चन को जो है हम डिवाइड कर रहे थे, पहले भाई हमें उसकी परिभाषा पूछी है तो पृष्ठभूमि में क्रैक करते हुए किससे हमें स्पेशल तो किसी चीजें परवाह आ सके, क्यों? क्योंकि परवाह आएगा तो चीजों को पकड़ पाएंगे और वो अच्छा लगेगा पढ़ते हुए, ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ चीजों को पूरा लिखा तो हुआ है मगर चीजें बिखरी हुई हैं। तो बिखराव किसी भी आंसर के अंदर नहीं होना चाहिए, वो एक परवाह की तरह, यानी कि एग्जाम जब आपकी कॉपी चेक कर रहे हो तो वो पढ़े तो एक बहता चला जाए कि हाँ ऐसी चीजें लिखी गई हैं आपके द्वारा, है ना। तो आइए बात करते हैं। देखिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर विज्ञान का एक शाखा है, है ना, जो मशीनों को जो है मनुष्य की भांति व्यवहार करने में सहायता करती है और इन मनुष्यों को जो है निर्णय लेने, सोचने, समझने, समस्या का समाधान जैसे जो है संज्ञात्मक कार्यों को संपादित करने में सहायता प्रदान करती है। भारत में कृषि के संदर्भ में कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्पादकता, दक्षता और स्थिरता में जो है सुधार करके परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकते हैं। यानी कि देखिए यहां तक हमने क्या किया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में जो है बात कर ली, उसकी डेफिनेशन की बात हो रही है तो हमने बात कर ली उस चीज के बारे में। फिर क्योंकि वो किस क्षेत्र से क्वेश्चन पूछ के हमसे जो है हमसे पूछना चाह रहा है, हमसे जानना चाह रहा है, उसका अनुप्रयोग वो लिए, वो चुना है उसने कृषि ने, है ना, कि भाई इस क्षेत्र के बारे में मुझे बात करनी है, आपसे अनुप्रयोग के बारे में जानना है, वो है कृषि। तो वो लाइन अटैच हो गई। मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं कि भाई आपको बहुत सारे बंदे बोलते होंगे पृष्ठभूमि ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, ऐसे अच्छी होती है, वैसे अच्छी होती है, थोड़ा सा उसको साइड में करिए, अपने ऊपर काम कीजिए, बहुत सारी चीजें होती है और हम आपको सब बताएंगे। क्वेश्चन खुद अपने आप डिमांड करता है कि उसकी पृष्ठभूमि कैसी होनी चाहिए। उसने खुद डिमांड की कि भाई डेफिनेशन हमको बताइए, तो हमने डेफिनेशन के बारे में बात कर ली। उसने खुद बोला कि हम एआई की बात शुरू कर रहे हैं मगर पर्टिकुलर एक क्षेत्र के बारे में हमें बात करनी है, एआई के बारे में हमें भंडार मत खोल देना कि भाई एआई इससे कनेक्ट उससे कनेक्ट, वो होगी और वो होती भी है मगर हमें आपसे जानना है कृषि क्षेत्र के बारे में, तो प्लीज हमें कृषि क्षेत्र से संबंधित ही हमसे बात कीजिए, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो भाई कृषि के बारे में बात होगी तो लीजिए, कृषि से संबंधित हमने एक लाइन को क्रैक किया ताकि क्या हो, ऐसे टूटे ना, जिसके बारे में हमें बात करने वाले हैं, जिसके अनुप्रयोग के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिससे संबंधित क्वेश्चन आया है उसी के प्रति रहना है, है ना, उससे बाहर नहीं निकलना। यानी कि जो पूछा गया है वो सब बताना है और इधर उधर का ज्ञान नहीं पेलने का है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अनुप्रयोग देखते हैं कि क्या क्या बातों पर हम चीजें कर सकते हैं, भाई हाँ ये पॉइंट हम दे सकते हैं, वो कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं। अब बात आती है इस चीज की, पॉइंट तो ठीक है, पॉइंट तो हम दे लेंगे मगर बात इस चीज की आएगी कि भाई वो वर्ड्स भी होते हैं, तो वर्ड्स देखिए मैंने, हो सकता है मैंने पॉइंट जो है 5-6 आपको पॉइंट दे दिए। यदि आपको लग रहा है कि मैं तो स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो हो सकता है हमारे पास ये यही क्वेश्चन 100 या 125 में आए, तो भाई नॉर्मल सी बात है, आपको जो लग रहा है कि लिमिट सिस्टम से हमारे चीजें से जो है इनमें से जो है 5-6 पॉइंट जो दिए गए हैं इनमें से एक जो है मैं हटा के अपना काम चला लूंगा तो आपका काम चल जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो यार, है ना। चलो पॉइंट देखते हैं। ओके, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की यहां पर बात हो रही है, इसके अंदर हम एआई की बात करेंगे। एआई से फसल के बाद नुकसान को कम करके आपूर्ति श्रृंखला संचालन को जो है सुव्यवस्थित किया जा सकता है। अब अपनी आपने बात बोल दी एक पॉइंट के बारे में, बताया कि भाई हम ऐसा कर सकते हैं, सुव्यवस्थित किया जा सकता है इस चीज को, ठीक है। अब फिर उसके साथ एग्जाम्पल यदि आप कमेंट करते हो कि भाई हाँ मैं एक एग्जाम्पल दिया है, एक उदाहरण अपना पेश किया है, तो एक प्रमाण के रूप में वो काम करता है और आपके द्वारा बोली गई बात यदि आप प्रमाण के साथ बोलते हो तो वो एक अच्छा जो है अगले इंसान के ऊपर क्या इफेक्ट डालती है, वो आप नंबर दिलाती है आपको, है ना, कि आपकी बात में एक वजन है, ठीक है। एक नेक्स्ट तकनीकी कृषि उपज की गुणवत्ता मूल्यांकन और जो है ग्रेडिंग में सहायता करती है, यानी कि हमने एग्जाम्पल के थ्रू एक पॉइंट को अपना बारे में बात कर ली, तो यही पॉइंट आप भी दे सकते हैं। कृषि श्रम अनुकूलन जो है एआई संचालित रोबोट और ड्रोन रोपण निराई कटाई जैसे जो है कार्यों में सहायता कर सकते हैं, तथा इस प्रकार की श्रम की कमी को दूर किया जा सकता है। मूल्य का जो है पूर्व अनुमान और बाजार विश्लेषण की हम पॉइंट के बारे में बात करें तो एआई जो है बाजार के रुझानों को विश्लेषण कर सकता है, जिससे किसानों को अपनी उपज कब और कहां बेचनी है इसका निर्णय लेने में मदद करती है।
ठीक है, तो 3 पॉइंट अब हम बात कर ली। चौथा पॉइंट क्या है कि फसल की पैदावार का जो है पूर्वानुमान और निगरानी। ठीक है, एआई जो है फसल की पैदावार का पूर्वानुमान लगाकर किसानों को जो है सूचित कर उन्हें निर्णय लेने में मदद कर सकता है कि कृषि के लिए IBM को जो है वोटसन डिसीजन प्लेटफॉर्म फसल प्रबंधन में जो है अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए एआई का उपयोग करता है। यानी कि अपनी बात जो बोली वो वही उस चीज के बारे में प्रमाण भी दे कि हाँ ये चीजें होती हैं। ठीक है, कीट और रोग प्रबंधन हम कर सकते हैं, तो एआई पावर्ड इमेज रिकग्निशन द्वारा जो है फसलों में कीटों और बीमारियों की पहचान कर समय पर जो है बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है। और जो है प्लांटिक्स जैसे ऐप के माध्यम से जो है पौधों की समस्याओं का निदान करने के लिए एआई का उपयोग किया जा सकता है। तो हम जो है इन अनुप्रयोग के बारे में बात कर ली कि भाई ये पॉइंट है जिनका हम यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। ठीक है, एआई जो है भारतीय कृषि के लिए अपार संभावनाएं पैदा करता है, जो कि संसाधन अनुकूलन, उत्पादकता बढ़ाने और फसल के बाद जो है नुकसान को कम करने जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करता है। हालांकि अपनी पूरी क्षमता का दोहन करके करने के लिए भारत को बुनियादी ढांचे में निवेश करने और किसानों का जो है प्रशिक्षण प्रदान करने और कृषि में एआई अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। पारंपरिक कृषि और एआई जो है संचालित नवाचारों के बीच जो है तालमेल देश में खाद्य सुरक्षा एवं स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो इन निष्कर्ष की हमने बात कर ली। अब करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के चुनौतीपूर्ण अवसरों की समीक्षा कीजिए। तो वो कौन से तो अवसर है, क्या हमारे उनके सामने चुनौती है ना, उसके बारे में बात हम जो है करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार बाजार है ना। यानी कि डाटा आपने प्रस्तुत किया कि भाई हाँ ये बंदा नॉलेज रखता है ना। आपने शुरुआत में ही एक डाटा प्रस्तुत कर दिया, एक लाइन जो है कि हाँ जिस चीज से संबंधित आपने हमसे क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में कुछ इस तरह की स्थिति जो है भारत के अंदर है ना। इस स्थिति में जो है परंपरागत इंधनों के प्रयोग से भारत पंचामृत सिद्धांत से भटक सकता है। यानी कि पर्टिकुलर कैसे आप अपनी बातों को रख रहे हैं इसका भी एक तरीका है ना। बोलते हैं भाई पृष्ठभूमि को कुछ इस तरीके से उस तरीके से, बस आपको लिखना आना चाहिए, आपको बात करनी आनी चाहिए है ना, तो वो फिर इफेक्ट डालती है। तो अतः भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ाना होगा और भारतीय पर्यावरण सुधार का जो है भी पक्षधर है ना। वो आपने बात भाई हम इस चीज के भी पक्षधर जो है, और इस स्थिति में जो है भारत इन दोनों के मध्य जो है समाधान प्राप्त करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने से संबंधित अवसर और चुनौतियां विद्यमान हैं। जैसे कि मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आप जो है किसी चीज के बारे में लिख रहे हैं, किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपकी जो शुरुआत है वो उस चीज के बारे में, जिस चीज के बारे में आप बता रहे हैं आपने कर दी, उसके बारे में आप बताते चल रहे हैं। लास्ट में जब आप उसे खत्म कर रहे होंगे अपने एक पॉइंट को, अपने जैसे मतलब अपने पृष्ठभूमि की शुरुआत की और हम खत्म कर रहे थे उस चीज को, तो वहां पर जो है अगले जिसके बारे में आप बात करने वाले हैं उसकी पृष्ठभूमि आपकी कुछ लास्ट लाइन के अंदर हो जानी चाहिए। तो क्या चीजें जुड़ाव महसूस करे, एक प्रभाव बनता चले, ये बार बार आप लोगों में बताता रहता हूं। तो अब बात करते हैं हम उन अवसर की, चुनौती और अवसर दोनों ही है, तो बात करते हैं अवसर की। देखिए रोजगार सर्जन की बात हो सकती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है को अपनाने में विनिर्माण अनुसंधान विकास और चार्जिंग से संबंधित बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर जो है वो सर्जित होंगे। ऊर्जा सुरक्षा की बात हो सकती है कि आयातित कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता महत्वपूर्ण चिंता का विषय है, तो ये जो है ना इसको हम आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करके और घरेलू नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग पर बल देकर जो है इस मुद्दे को हल करने में मदद कर सकते हैं है ना। ऊर्जा सुरक्षा की बात हो गई, रोजगार सृजन की बात हो गई, तो अगला पॉइंट हमारा क्या हो सकता है, तकनीकी प्रगति की हम बात कर सकते हैं कि भारतीय स्टार्टअप इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जो है अभिनव समाधान विकसित करने पर कार्य कर रहे हैं, जैसे जो है बैटरी तकनीकी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की गति देना। भारत सरकार ने जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के विकास और इसको जो है प्रोत्साहन देने के लिए नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान जैसे जो है कई पहले भी शुरू की हैं। ये पॉइंट हमारा हो गया। अगला पॉइंट क्या कि प्रदूषण में कमी, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है प्राथमिक लाभ प्रदूषण के स्तर में कमी होना। भारत के कई शहरों में जो है विश्व की तुलना में सबसे खराब वायु गुणवत्ता स्तर बना रहता है। आप ये दिल्ली के अंदर जो है मुकुशने के अंदर पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि वहां की स्थिति क्या रहती है। दिल्ली के अंदर तो बुरा हाल है ना, बहुत सारी सिटी के अंदर यही हाल है, और इन्वायरमेंट का हाल क्या क्या होता जा रहा है ये तो आपको पता ही है ना। तो
ईवी जो है, ईवीएस जो है, इस समस्या को हल करने में मदद जो है वो कर सकता है, क्योंकि हम अवसर की बात कर रहे हैं तो फिर हम उसी तरफ की हम बात करते हैं कि भाई हमने ये हमारे पॉइंट जो है वो हो सकते हैं। जब हम बात किसकी कर रहे हो, अवसर की, चुनौतियां हमारे सामने क्या हो सकती है, भाई ईवीएस की बात करें तो इसमें इस्तेमाल होने वाली जो बैटरियां हैं उसके बारे में हम बात कर रहे थे। डिस्पोजल करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है ना। इनके पर्यावरण अनुकूल निपटान को जो है सुनिश्चित करने हेतु उचित निपटान विधियों को विकसित किया जाना आवश्यक है। ईवी जो है अपनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक भारत में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी होना है, तो यह भी एक हमारे सामने चुनौती है, ठीक है। और अगली चुनौती क्या हो सकती है कि प्रारंभिक लागत पारंपरिक गैसोलीन वाहनों की तुलना में अधिक होती है, तो बैटरी की अधिक लागत होना इसके प्राथमिक कारणों में से एक है ना। तो ये हमारे सामने चुनौतियां हैं, तो उसके बारे में हमने बात कर लिया। नहीं भी हो सकती थी, क्योंकि मैं बार आपको बोलता हूं कि भाई बार बार ये चीजें इसलिए बोल रहा हूं कि जो वर्डिंग सिस्टम है, ताकि आपके पास पॉइंट इस तरीके के जाए जिनका आप इस्तेमाल भी कर सको, है ना, कि भाई हाँ वो लिमिट के अंदर चीजें हैं, ठीक है। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। देखिए, इलेक्ट्रिक वाहन भारत के लिए बहुत से अवसर प्रस्तुत करते हैं, लेकिन इससे संबंधित कई चुनौतियां विद्यमान हैं जिन्हें हल करने की आवश्यकता है। भारत सरकार जो है ऑटोमोबाइल निर्माता और निजी हितधारकों को इन चुनौतियों से निपटने और भारत में जो है ईवीएस को प्रोत्साहित करने के लिए मिलकर कार्य करने की हमें आवश्यकता है। मैं बार बार आपको बोलता हूं कि निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव लिखना चाहिए, सारी चीजों का मेलजोल करके एक पॉजिटिव निष्कर्ष प्रस्तुत कर दीजिए। तो निष्कर्ष पे हमने बात की, तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों को उसका बेनिफिट मिल चुके। इस चीज के लिए ये बहुत लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज कदर कीजिए जो आपको मिल रहा है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, प्लीज इस चीज को समझिए। फ्री में चीजें मिल रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये तो निम्न स्तर की ही होंगी या उतनी अच्छी नहीं होंगी या आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल नहीं है। एक बार देखिए तो आपको सिलेबस के बारे में नॉलेज होगी, ठीक है, आपने एग्जाम के बारे में भी आप जानते होंगे, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए उस चीज को समझिए और प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।